मशीन घंटाधर विधि डिस्कस की थी। चलिए हम लोग जो नया मेथड डिस्कस करेंगे आज, उसका नाम है उत्पादन दर विधि / क्षयशील विधि। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन यूनिट और डिप्लीशन मेथड। सेम फॉर्मूला है इसमें भी जो अपन ने मशीन आर मेथड में पढ़ा था। लिखो नंबर फिफ्थ, प्रोडक्शन यूनिट / डिप्लीशन मेथड। सबसे पहले इनका मीनिंग सुनो बेटे। कल मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी संपत्ति को साल में उसने कितने घंटे काम में लिया है, अगर वो उसकी जानकारी रख सकता है कि इस मशीन को उसने इस दिन 8 घंटे चलाया, इस दिन 6 घंटे चलाया, मतलब साल भर में इतने घंटे चलाया, तो जिस साल में जितने घंटे आप संपत्ति को चलाएंगे उतने साल के हिसाब, उतने आवर्स के हिसाब से क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन। ठीक उसी प्रकार से अगर आप ये डेटा, हाँ ये डेटा का रख रखाव रख सके कि आपने इस असेट से कितनी इकाइयों का किसी वर्ष में उत्पादन किया है, तो उसके लिए कौन सी विधि अपना ली जाएगी, उत्पादन दर विधि। ओके बेटे, ये डिप्लीशन मेथड क्या है बेटा। असेट्स ना तीन तरह की मानी जाती है डेप्रिसिएशन के हिसाब से। एक तो फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, मूर्त संपत्ति, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब क्या है, टेंजिबल मूर्त संपत्तियां, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है, इनटेंजिबल एसेट यानी अमूर्त संपत्ति। इसके अलावा एक संपत्ति ऐसी भी होती है जिनको उपयोग में लेने से उनकी मात्रा में क्या हो जाती है बेटे, कमी हो जाती है। जैसे कोयले की खदान, अगर आप कोयले की खदान खरीदते हैं और उसमें से कोयले के खनन का कार्य करते हो, आपको क्या करना होगा, जितना ज्यादा आप कोयले का खनन करेंगे उस खदान में जितना टन कोयले का उत्पादन हो सकता था, जितना जितना कोयला निकालते चले जाएंगे उसकी मात्रा में क्या होती चली जाएगी, कमी होती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है बेटे। तो ऐसी संपत्तियों का मूल्यह्रास लगाने के लिए क्षयशील विधि यानी कि डिप्लीशन मेथड काम में लिया जाता है। क्षय मतलब क्षत्रिय वाला जो होता है ना, इसका फॉर्मूला लिखे, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। बेटे मैं आपको इंग्लिश में फॉर्मूला इसलिए लिखवाता हूं, इंग्लिश में नाम इसलिए लिखवा रहा हूं, अब तक तय नहीं हुआ है कि आपका पेपर इंग्लिश में आएगा कि हिंदी में आएगा। हिंदी में आ जाए बेटे सबसे अच्छी बात है, नहीं आया प्रश्न इंग्लिश में आ गया और हमको प्रश्न इंग्लिश के शब्द ही नहीं पता होंगे तो सारी मेहनत की हुई क्या हो जाएगी बेटे, खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको इंग्लिश में शब्द लिखवा रहा हूँ, फॉर्मूला इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ, समझाने का काम पूरा हिंदी में कर रहा हूँ, चलेगा आप लोगों को। बेटे मान लीजिए एक संपत्ति क्रय की गई है 10,10,000 रुपए की। अनुमान ये है कि जब इसका जीवन काल समाप्त हो जाएगा इसे 10,000 रुपए में बेच दिया जाएगा। अनुमान यह लगाया गया कि इस संपत्ति से हम साल भर में कितनी इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं। 10,10,000 में से 10,000 गया, बचा 10 लाख। 10 लाख डिवाइड बाय 20,000 करो तो प्रति इकाई मूल्य ह्रास कितने रुपए का लगेगा, 50 रुपए का लगेगा बेटे। तो डेप्रिसिएशन निकल कर आया प्रति इकाई के उत्पादन करने पर 50 रुपए। अब आपने सन 2019 में अगर 1500 इकाइयों का उत्पादन किया हो, आप 1500 गुना 50 कर लो, आपके उस वर्ष का लगने वाला मूल्यह्रास कितना होगा, 75,000। अगर आपने 2020 में 2000 इकाइयों का उत्पादन किया तो 2000 गुना 50 कर लीजिए, उस साल का मूल्यह्रास 1,00,000 रुपए होगा। है ना बेटे, बहुत इजी। इलस्ट्रेशन नंबर 5वां देखिए, पढ़ो फटाफट, बुक लाए हो,
ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5। अ मशीन इज परचेज फॉर ₹20 लाख। इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर्स विद अ रेजिडुअल। बेटा रेजिडुअल वैल्यू का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹2 लाख। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1.5 लाख यूनिट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन इज एज फॉलोज। संपत्ति खरीदी कितने में थी? 20 लाख। 10 साल बाद इसका रेजिडुअल वैल्यू कितना रह जाएगा? इस संपत्ति से ये माना जाता है कि हम 1.5 लाख इकाइयां इसके लाइफ टाइम में क्या कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। हम आने वाले साल में पहले से तीसरे साल में हर साल 20,000, चौथे से सातवें साल में हर साल 15,000, 8 से 10वें साल में 10,000 इकाइयां प्रति वर्ष लिखा हुआ है। रिक्वायर्ड है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट मेथड। ठीक है बेटा, लिखो। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर। कॉम्बिनेशन है पहले से दूसरे और तीसरे साल में। संपत्ति का लागत मूल्य है बेटा 20 लाख। अवशेष मूल्य प्रश्न में कितना दिया हुआ है? 2 लाख। यह माना जा रहा है कि संपत्ति से पूरे जीवन काल में कितनी इकाइयां उत्पादन हो सकती है? 1.5 लाख। पहले से तीसरे साल में हर साल कितनी इकाई उत्पादन हो रही है? 20,000 गुणा किससे कर दिया जाए बेटे? 20,000। बताओ देखे, करेक्ट। हमारे पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का लगने वाला अलग अलग ईयर का मूल्य ह्रास कितना होगा? 2,40,000। बेटा बहुत ही आसान लग रहा होगा। चौथे, पांचवे, छठे और सातवें साल, या 4 से 6 कौन सा दिया हुआ है? 4 से 7 ही दिया है ना। ठीक है, वापस से वही 20 लाख माइनस 2 लाख बटा 1,50,000 गुणा कितना? 15,000। बोलिए 1,80,000 आया क्या? ये आ गया चौथे, पांचवे, छठे और सातवें साल में हर साल लगने वाला मूल्य ह्रास। और फिर आखिरी कॉम्बिनेशन है 8 से 10। 20 लाख माइनस 2 लाख बटे 1,50,000 गुणा 10,000 1,20,000। 8th, 9th और 10th यानी हर साल में लगने वाला डेप्रिसिएशन आ गया 1,20,000। हाँ बेटा, इजी है एकदम, पक्का समझ में आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने दे सकता हूं, बहुत इजी है वो भी। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पढ़ लीजिए। पांचवा तो किया है अपन ने, सिक्स्थ पढ़ लीजिए बेटा। मैसर सूर्या एंड कंपनी टुक लीज ऑफ क्वेरी ऑन 1st of January 2017 फॉर ₹1 करोड़। एज पर टेक्निकल एस्टिमेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट इज 2 lakh tons. Depreciation was charged on the basis of depletion method. Extraction pattern is given as the following table. Saal given hai. Quantity of mineral extracted likha hua hai. 2017 mein 2000 ton. 2018 mein 10,000 ton. 2019 mein 15,000 ton. Required hai. Show the quarry lease account and depreciation account for each year starting from 2017 to 2019। बहुत आसान है बेटा। कौन सा अकाउंट मांगा? संपत्ति का खाता मांगा। अपन ने एक एसेट खरीदी है कितने रुपए में? 1 करोड़। एंट्री बोलेंगे क्वेरी लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ गए बेटा, कौन सी डेट में खरीदी? January 17। अच्छा, कौन सी विधि से मूल्यह्रास लगाने को बोला है? डिप्लीशन मेथड। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड प्रोडक्शन
मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यही पढ़ा था। संपत्ति का लागत मूल्य है 1 करोड़। ये माना जाता है कि इस संपत्ति में, इस खदान में कितना टन मिनरल खनिज पदार्थ छुपा हुआ है, 2 लाख टन। यानी 1 करोड़ रुपए देंगे हमको 2 लाख टन खनिज का उत्पादन करने का मौका मिलेगा बेटे। तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख कीजिए ना, 50 रुपए होगा शायद। 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख 50 रुपए आ गया। मतलब 1 टन अगर अपन लोग खनिज पदार्थ निकालते हैं तो डेप्रेशन लगता है 50 रुपए। अब अपन ने 2017 में कितना टन निकाला, 2000, 1 पे 50 रुपए लगा तो 2000 पे 1 लाख लगा होगा। डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री बोलिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्वेरी लीज अकाउंट। वापिस बोलो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्वेरी लीज अकाउंट। साल कौन सा, दिसंबर 31 आ गई बेटा, बाय डेप्रिसिएशन आ गया 1 लाख। संपत्ति थी कितने की, मूल्यह्रास कितना लग गया, असेट का वैल्यू 19 लाख आ गया बेटा। वही बाय बैलेंस ईडी इधर आएगा, टू बैलेंस बीडी। अब 2018 में कितना टन था, ए पे 50 रुपए था, 50 गुना 10 = 5 लाख। डेप्रिसिएशन डेबिट क्वेरी लीज अकाउंट क्रेडिट 5 लाख, बाय बैलेंस ईडी 94 लाख, टू बैलेंस बीडी आ गया 94। 50 रुपए था पर यूनिट, 15,000 × 50 7,50,000। कहा था बहुत इजी है, कर लोगे आप लोग। और कौन सा अकाउंट बनाने को बोला, जस्ट लेजर अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्वेरी लीज अकाउंट बोले थे आप। तो डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड में 31 दिसंबर 2017 को 1 लाख आ गया। क्योंकि डेप्रिसिएशन एक खर्च खाता है बेटे, इसे लाभनि खाते से राइट ऑफ किया जाता है। एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, दोबारा बोलो। तो डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में बाय पीएनएल आ जाएगा 1 लाख रुपए। दूसरा बोलेंगे, डेप्रिसिएशन टू क्वेरी लीज अकाउंट 5 लाख 31 दिसंबर 2018, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 5 लाख रुपए। फिर डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2019 7,50 का नहीं खत्म कर सकते हैं। एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, एक लाइन छोड़कर लिखो। संपत्ति पर ये हमारी विधियां हो गई, 5 विधियां बताई, एक्चुअली 6 विधि होती है। प्रोडक्शन और डिप्लीशन अलग अलग होते हैं, मेथड सेम था इसलिए मैंने एक साथ बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखेंगे, संपत्ति पर मूल्यह्रास लगाने की विधि में परिवर्तन। संपत्ति पर मूल्यह्रास लगाने की विधि में परिवर्तन। समझे, इधर देखिए बेटे, जो तौर तरीका पढ़ने का आपने आज से, कोरोना से पहले जो तरीका हम लोग पढ़ा करते थे, कभी सोचा था ऑनलाइन क्लास लगेगी? कोरोना ने सब कुछ चेंज कर दिया और आज भी हम लोग कुछ ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, कुछ ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन हो जाता है बेटे, और अगर आवश्यकता पड़ने पर हम परिवर्तित नहीं होंगे तो हम लोग दिक्कत में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। आज कोई बच्चा कहे कि कोरोना आ गया, मैं तो ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो ऐसे नहीं करूंगा वैसे नहीं करूंगा, तो 2 साल तक बच्चा क्या करता, घर बैठे बैठे 2 साल पीछे हो जाता। और जिन्होंने पढ़ाई कर ली वो आज 2 साल आगे हो गए कि नहीं हो गए। तो परिवर्तन के अनुसार अपने को क्या करना पड़ता है, आवश्यक परिवर्तन अपने को भी करने पड़ते हैं। बेटे हम पिछले कई वर्षों में जिस तरीके से संपत्ति को काम में लेते आ रहे थे, उस तरीके के हिसाब से मूल्यह्रास लगाने की विधि WDV मेथड हमको सही लग रही थी, तो हम क्या कर रहे थे, WDV मेथड से डेप्रिसिएशन कर रहे थे। अब इस साल में और आगे आने वाले साल में हमने संपत्ति को उपयोग में लेने का तौर तरीका क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। अब इस परिवर्तन के अकॉर्डिंग ही हमारे को संपत्ति पर क्या लगाना चाहिए, कौन सी विधि से, सर WDV नहीं, अब की बार हमको जो है सीधी रेखा विधि से क्या लगाना चाहिए मूल्यह्रास, ताकि इस परिवर्तन को हम पुस्तकों में भी क्या कर सकें, दिखा सकें। इसलिए मूल्यह्रास लगाने की विधि में क्या होता है बेटे, परिवर्तन होता है। लिखे, जब संपत्ति के उपयोग करने के तरीके में, जब
संपत्ति के उपयोग करने के तरीके में परिवर्तन होता है, या फिर भविष्य में उस संपत्ति को उपयोग में लेने के कारण व्यापार को मिलने वाले लाभ में कोई परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन को लेखा पुस्तकों में प्रदर्शित करने हेतु मूल्यह्रास लगाने की विधि में भी परिवर्तन किया जाता है पूर्ण विराम। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि परिवर्तन का प्रभाव लेखा पुस्तकों में चालू वर्ष या फिर चालू वर्ष या फिर चालू वर्ष और आगे आने वाले वर्षों दोनों पर ही प्रभाव पड़ता है। पूर्ण विराम। ठीक है बेटा, देखो एग्जाम्पल से समझो फिर सवाल हो जाएगा। 2019 में एक संपत्ति क्रय की गई 1,00,000 रुपए की। यह डिसीजन लिया गया कि हम संपत्ति को चूंकि इस प्रकार से काम में लेंगे तो हम इसके ऊपर 10% वार्षिक की दर से मूल्यह्रास अपलिखित मूल्य विधि से लगाएंगे। तो बेटा पहले वर्ष का मूल्यह्रास कितना लग गया? 10,000। अब संपत्ति का मूल्य घटकर 90,000 आ गया। बेटा 2020 में हमने संपत्ति पर मूल्यह्रास 10% की दर से 9,000 लगाया तो क्या संपत्ति घटकर 81,000 की रह गई? हमने 2021 में 81,000 का 10% 8,100 लगाया, अब संपत्ति का मूल्य कितना रह गया? 72,900। बात समझ में आ गई। हमने 2022 में ये डिसीजन लिया कि अब हम WDV मेथड की जगह पर कौन सा मेथड काम में लेंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड। बेटे बात समझ में आई क्या? पक्का। पहले क्या होता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेखांकन मानक हमसे ये चाहते थे कि जिस वर्ष में आप क्या करेंगे, संपत्ति के विधि में मूल्यह्रास लगाने की विधि में परिवर्तन करेंगे, तो आपको ये देखना चाहिए कि अगर नई विधि से संपत्ति को शुरू से ही क्या किया जाता, डेप्रिशिएट किया जाता, तो परिस्थिति क्या हुई होती। यानी 2019 में ही अगर हमने संपत्ति को स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएट किया होता तो पहले साल संपत्ति का मूल्य बचता 90, फिर होता 10,000 घटने पर
80,000 और फिर होता 10,000 घटने पर 70,000। तो बेटा जब पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करते थे तो अभी आपकी असेट की वैल्यू आपको बुक्स में कितनी दिखाई दे रही है, 72,900। टू बैंक लिखूं या टू बैलेंस बीडी लिखूं? क्यों, टू बैंक तो कब आया होगा, 2019 में, हम तो 2022 में खड़े हैं ना। तो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता था कि देखो फिलहाल तो संपत्ति का मूल्य कितना है और नई विधि से अपनाओगे तो कितना होना चाहिए था शुरू से लेकर अब तक। तो आपने एसेट की वैल्यू 72,900 यानी 70,000 से 2,900 ज्यादा दिखा रखी है ना। पहले आप क्या करो, संपत्ति के मूल्य में इतना डेप्रिसिएशन और एडजस्ट करो कि जो विधि फिलहाल है उसकी वैल्यू घटकर या बढ़कर जो नई विधि आप अपनाना चाहते हैं उसके बराबर पहुंच जाए। मैंने बोला घटकर या फिर बढ़ाकर। मान लो मैं पहले कौन सी विधि अपना रहा होता तो यहां 70,000 आ रही होती और मुझे कितने पर लाना होता, तो मैं 2,900 बढ़ा रहा होता, या तो घटाकर या बढ़ाकर। अभी विधि कौन सी अपना रहा हूं, अब कौन सी अपनाऊंगा, तो ये है 72,900। होनी कितनी चाहिए थी, तो मुझे संपत्ति का मूल्य घटाना पड़ेगा। पहले ऐसा हुआ करता था क्या, पहले पुराने और नए विधि में क्या कीजिए, परिवर्तन कीजिए और संपत्ति को पुरानी विधि के हटाकर नई विधि के हिसाब संपत्ति का जो मूल्य होना चाहिए पहले उसके बराबर लाइए। अभी कितनी है, कितना कम करूं कि पुराने के बराबर, बात समझ में आ गई। अब 72,900 माइनस 2,900 डेफिनेटली 70,000 आ गया। अब आप हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगाते जाइए, 10,000 10,000, कहानी वही हो जाएगी, 70 माइनस 10 60 60 माइनस 10 बराबर 50,000। इसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलता हूं पहले, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पूर्व समय का प्रभाव। अब ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो खत्म हो गया बेटे। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये चेंज आ गया। लास्ट लाइन में दिए, एकदम लास्ट लाइन मैंने क्या कहा, लास्ट लाइन में क्या बोला बोलिए, नहीं लाइन लाइन शब्द नहीं, लाइन बोलिए। लेखा पुस्तकों में इस चीज का प्रभाव या तो चालू वर्ष में या चालू तथा आने वाले वर्षों दोनों में ही क्या होगा, प्रभाव दिखाया जाएगा। मैंने कहीं पर भी गत वर्ष की बात बोली है क्या, बात समझ में आ गई। या तो इस चेंज का इफेक्ट या तो किसमें आएगा, करंट ईयर में या फिर आगे। पास्ट में आपने क्या किया क्या नहीं किया उसको भूल जाओ। पहले ऐसे हुआ करता था, पहले आप पुरानी को किसके अकॉर्डिंग लाते थे, देखो मैंने 2,900 एडजस्ट किए ना बेटे। आजकल क्या होने लग गया, आपके संपत्ति का मूल्य कितना है, 72,000 है ना, भूल जाओ क्या था क्या, भूल जाओ कहानी, हटा दो इसको, कुछ नहीं था। किस साल में आप संपत्ति के मूल्य में परिवर्तन कर, 2022 में विधि में परिवर्तन। मान लो 2022 में ही असेट का पहला साल था, कौन सा साल था, पहला साल। आप 2022 में ही असेट कितने में खरीदे हो, 72,900। भूल जाओ आपने पास्ट में क्या किया क्या नहीं, 2022 से आपने विधि कौन सी अपनाई है, 72,900 का ही 10%, 7,290 कहीं पर भी मैं 2,900 लेकर आऊंगा क्या, क्या मैं पिछले प्रभाव को पुस्तकों में दिखा रहा हूं क्या? अगर मैं दिखाता तो इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, पूर्व वर्षों का प्रभाव। अब ऐसा नहीं रहा, अब या तो परिवर्तन का प्रभाव चालू वर्ष में होगा या फिर आने वाले वर्षों में, पिछले वर्ष का कोई लेना देना नहीं है। बेटे मेरी बात समझ में आ गई, पक्का ना। इलस्ट्रेशन नंबर 7, नहीं बेटा 7 तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, होमवर्क में करके लाएंगे आप लोग। 8 और 9 होमवर्क में दूंगा, लेकिन क्या हो बेटा बोल ना, बुक नहीं लाया, अच्छा कोई बात नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 7वां होमवर्क करेंगे, 8वां और 9वां भी आप ही करोगे, लेकिन अभी नहीं करना 8वां 9वां, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर पहला करवा दूंगा उसके बाद होमवर्क करना। अभी कौन सा दे रहा हूं, 7, 6 और 7, ठीक है। अभी मैं आपको करवाऊंगा बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 10, फटाफट देखो। अंशुल वाला दिख रहा है बेटा, मेसर्स अंशुल एंड कंपनी कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1st जनवरी 2015। कमेंस्ड का मतलब होता है बिजनेस को शुरू करना।
1 जनवरी 2015 में इन्होंने बिजनेस शुरू किया था. When they purchased plant and equipment for rupees 7 lakh, they adopted a policy of charging depreciation at the rate 15% per annum on diminishing balance method बोल दूं, reducing balance method बोल दूं, या written down value method बोल दूं, दोनों का मतलब एक ही है. बात समझ में आ गई? And over the years, their purchase of plant have been, और आने वाले वर्षों में उन्होंने कुछ इस प्रकार से संपत्तियां और खरीदी. एक तो कब खरीदी? 2015 में. कितने में? 7 लाख. एक 2016 में, 2019 में. ध्यान से पढ़ो. On January 1st, 2019, यानी चालू वर्ष में, it was decided to change the method and rate of depreciation to straight line basis. इन्होंने ये कहा कि WDV method को हटाओ और कौन सा method लेकर आओ? सीधी रेखा विधि लेकर आओ. On this date, remaining useful life was assessed as how many years? 6 years for all the assets purchased before 1st January 2019. 2019 में ये देखा गया कि अब हम लोग पुरानी विधि को हटाएंगे और उसकी जगह सीधी रेखा विधि अपनाएंगे. इसके लिए डिसीजन लिया गया 2019 में कि 2019 से पहले वर्षों में जो संपत्ति खरीदी गई है, अगर वह संपत्ति अभी भी काम आ रही है, तो आज से उन संपत्तियों का जीवन काल केवल कितना माना जाए? मतलब जो आज संपत्ति का मूल्य बचा है, उसे समान वर्षों में 6 किश्तों में क्या कर दो बेटा? डेप्रिशिएट कर दो. बात समझ में आ गई? कौन सी संपत्तियों को? जो 2019 से पहले खरीदी. बात समझ में आई? अब इस प्रश्न में 3 संपत्ति थी बेटा. एक तो 2000, एक 2000 और एक 2000. तो पहले मुझे 2015 वाली का मूल्य निकालना पड़ेगा, 2016 वाली का मूल्य निकालना पड़ेगा 1 जनवरी 2019 के दिन, और जो मूल्य होगा उसे 6 साल से डिवाइड करना होगा. पर ईयर का क्या निकल कर आ जाएगा? डेप्रिसिएशन. लेकिन जो संपत्ति कौन सी डेट को खरीदी गई, उसका मूल्य, उसका जीवन काल कितना माना गया? एक बार इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ लीजिए. ऑन जनवरी 1st, 2019, it was decided to change the method and rate of depreciation to straight line basis. On this date, remaining useful life was assessed as 6 years for all the assets purchased before 1st January 2019 with no scrap value and 10 year for the asset purchased on 1st January 2019. बेटा बहुत इजी सवाल है. 2019 का तो मूल्य 2 लाख पहले से ही दिया हुआ है. खरीदा भी किस साल में और चेंज भी किस साल में हो रहा? सीधा सीधा 2 लाख डिवाइड बाय 10, 2019 में इस वाले संपत्ति पर मूल्यह्रास 20,000 लगेगा. खाली नाटक क्या है कि अपने को 2019 में परिवर्तन तो बोला है, लेकिन अपने को 2015 का लागत मूल्य गिवन है, 2016 का लागत मूल्य गिवन है, जबकि इन संपत्तियों पर तो 2015, 16, 17 और 18 4 साल का मूल्यह्रास कौन सी विधि से लग चुका है. तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, नहीं, मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, मेरे को तो क्वेश्चन में अभी क्या गिवन थी? कॉस्ट प्राइस. पहले मैं कौन सी विधि लेकर आया, कौन सा मूल्य लेकर आया? WDV लेकर आया ना, क्योंकि परिवर्तन कौन से वर्ष में हो रहा है, तो ये संपत्ति नहीं मानी जाएगी ना. तो ये तो था क्रय मूल्य. पहले पुराने विधि से मुझे क्या घटाना पड़ेगा? समझ गए? अब मेरे को 2015 7 लाख कौन सा मूल्य गिवन था? लागत. 1 जनवरी 2016 को 1.5 लाख कौन सा मूल्य था? लागत. जबकि मुझे तो जनवरी 2019 का क्या चाहिए? अपलिखित मूल्य. क्योंकि 2015 वाले कितने साल मूल्यह्रास लगी? 4. 15, 16, 17, 18 और 16 वाली 16, 17, 18. करें शुरू. बताता हूं, ये लिखो पहले एक बार. इलस्ट्रेशन नंबर 10. प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट. एक बार प्रश्न देखिए बेटा. प्रश्न के आखिरी में देखो, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं क्या लिखा है. देखो, कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2019. बेटा ये लाइन आपको कट कर देनी होगी. अगर आपके पास बुक है तो कट कर दीजिए, नहीं है तो घर जाके कट कर देना. ये लाइन आपको दिख रही ना,
इसे कट कर देना अगर किताब अभी नहीं है तो, घर जाए कर देना। और इसकी जगह क्या लिखेंगे, प्रिपेयर प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। ऐसा क्यों, कुछ तो रीजन होगा, मैंने अभी क्या बताया था, अभी भी मैंने क्या बताया था कि पहले मैं इधर की तरफ क्या लेकर आया था, याद है 70,000 लेकर आया, दोनों में कंपेयर किया और 2,900 मैंने एडजस्ट किए, फिर मैंने कहा अब ये ऐसा नहीं होता, पास्ट में जो किया उसे भूल जाओ, अपने को प्रेजेंट में ही ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न बेटे पुराने समय से चले आ रहे हैं, थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, ध्यान देने में थोड़ी सी हो गई होगी, प्रिंट में मिस्टेक हो गई होगी, मुझे उम्मीद है अगली बार जब ये मॉड्यूल छपेंगे तो ये लाइन हटकर केवल क्या लिखी आएगी, प्रिपेयर प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्योंकि अब मुझे क्या नहीं करना है, डेप्रिशन एडजस्ट नहीं करना, पुरानी बात चली गई। आपको मैंने कॉपी में लिखवाया ना, या तो करंट ईयर या फिर आने वाला ईयर, ये देखो क्या लिखा है, मैंने आपको हिंदी में लिखवा दिया, मूल्यह्रास लगाने की विधि में परिवर्तन, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिशन, पढ़ो इसको, अ चेंज इन एन अकाउंटिंग एस्टिमेट मे अफेक्ट द करंट पीरियड ओनली और बोथ द करंट पीरियड एंड, क्या पास्ट का कोई लेना देना है बेटे, पहले हुआ करता था अब नहीं है, ठीक है बेटे, घर जाके चेंज कर लेना आप लोग। प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट कौन से ईयर का मांगा है अपने से, 2019 का, 2019 की शुरुआत कौन से डेट से होगी बेटा, 1 जनवरी 2019। क्या लिखें, टू बैंक लिखें, टू बैलेंस बीडी लिखें, पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, क्या मेरे पास 2015 वाली एसेट भी है और 2016 वाली एसेट भी है, बट पॉइंट ये है कि मेरे पास क्या गिवन नहीं है, उनका WDV गिवन नहीं है, तो मुझे सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, WDV निकालने के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ WDV ऑफ एसेट एज ऑन 1 जनवरी 2019। बेटा एक असेट कौन सी है, 2015 में खरीदी गई है ना बेटा, और एक असेट जो 2016 में खरीदी, अच्छा 2015 में जो असेट खरीदी वो कितने की है, और 16 वाली मूल्यह्रास की दर बोलिए 15%, विधि बोलिए अपलिखित मूल्य, इंग्लिश में बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिमिनिश, कल को प्रश्न आ जाए पेपर इंग्लिश में और डिमिनिशिंग लिखा हो तो याद रहेगा, अपलिखित मूल्य विधि, पहला वर्ष कौन सा था 2015, 7 लाख का 15% होता है 1,05,000, तो क्या संपत्ति का मूल्य 5,95,000 रह गया बेटा, अब इस 5,95,000 का बताइए 15%, $89,250, संपत्ति का मूल्य 5,95 माइनस 89,250, क्या बेटा 5,05,750, अब कौन से वर्ष का 2017, इसी का बताएंगे 15%, पॉइंट्स में आएगा शायद, कितना बेटा 75,862.5, तो 863 कर दूं बेटा, घटाइए 65,000 आज होगी ना जरूरत इस कैलकुलेटर की, 4,29,887। अब मुझे आखिरी वर्ष किसका लगाना है, 2018 का, 4,29,887 का 15%, 64,483, देखो संपत्ति का मूल्य 3,65,404 बचा क्या, यही बचा ना बेटे, ये
1 जनवरी 2019 को मूल्यह्रास लगने के बाद संपत्ति का मूल्य होगा। अब 1.5 लाख वाली जो एसेट थी उस पे पहला कौन सा वर्ष 2016 1.50 का 15% 22,500 संपत्ति का मूल्य 1,27,500 आ गया क्या। अब मुझे कौन से वर्ष का मूल्यह्रास लगाना है 2017 1,27,500 का 15% 19,125 घटा के बताओ 1,03,375। अब आखिरी वर्ष 2018 1,08,375 का 16,256.25 यानी कि 256 डाल दो बेटा। हाँ जी आंसर बोलिए कितना आया 92,119 आ गया क्या बेटे। 16, 17, 18 का मूल्यह्रास लगाने के बाद 1 जनवरी 2019 को क्या संपत्ति का मूल्य 92,119 था बेटा। अगर 2019 में मूल्यह्रास लगाने की विधि में परिवर्तन नहीं होता तो बेटा मैं इसी का 15% और 2 लाख का 15% लगा के कहानी खत्म कर देता। लेकिन फिलहाल 2015 वाली का आया 3,65,404। पहले कंप्लीट कर लो मशीन खाता मेरे साथ ताकि वो पेज में ओपन करके चला जाऊंगा। और 92,119 टोटल बताओ कितना हुआ। देखो 4,57,253 हो रहा है क्या 4,57,523 हो रहा है 4,57,523 ये हुआ संपत्ति का ओपनिंग बैलेंस WDV मेथड से मूल्यह्रास लगाने के बाद। अब 1 जनवरी 2019 को हमने एक संपत्ति और भी खरीदी है ना 2 बैंक कितने में खरीदी 2,20,000 इतने पैसे नहीं है अभी कितने रुपए 2,00,000 समझ गए बेटे। अब मुझे इस वर्ष का अंत कब होगा 31 दिसंबर 2019 में होगा बेटे। फटाफट एंट्री बोलो मूल्यह्रास लगाने की। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट लिख दे बाय डेप्रिसिएशन। इसका भी हमें क्या दिखाना होगा वर्किंग नोट और वर्किंग नोट नंबर 2। देखो बेटा वर्किंग नोट नंबर 2 ध्यान से देखिए। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर कौन सा साल 2019। प्रश्न की जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है दोबारा सुनिए। 2019 में यह निश्चय किया गया कि सन 2019 में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो WDV मेथड से नहीं लगेगा। इसलिए ये डिसीजन लिया गया कि हमारे पास 2019 में जो भी एसेट थी उनमें जो एसेट 2019 से पहले खरीदी गई है उनका तो बाकी बचा हुआ जीवन काल कितने वर्षों का मान लिया जाए 6 वर्ष का, और जो 2019 में खरीदी उनका मान लिया जाए। देखो 3 एसेट का टोटल दिख रहा है 1, 2 और 3 इनका तो जीवन काल कितने वर्षों का रहेगा। तो आज मैं कोई 10 लाख रुपए की संपत्ति खरीदूं और मैं कहूं इसका जीवन काल 5 वर्षों का है तो आप 10 लाख डिवाइड बाय 5 करके हर साल का डेप्रिसिएशन 2 लाख लगा दोगे। अब मैं कहूं इन संपत्ति का जीवन काल कितने वर्षों का है तो मुझे इस संपत्ति को 6 वर्ष से इस संपत्ति को 6 वर्ष से डिवाइड कर देना चाहिए और एनम डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसे किससे डिवाइड कर देना चाहिए 10 आ जाएगा मूल्यह्रास पक्का। Now, 2015 में जो असेट खरीदी थी आज उसकी WDV कितने की है 3,65,404 इसे किससे डिवाइड करूं 60,900। 2016 वाली बताओ 92,119 बटा 6 15,353 और 2019 वाली करेक्ट 2,00,000 डिवाइड बाय 10 फटाफट बोलिए क्या ये हमारा डिप्रेशन आ गया बेटा।
अब 60,900 15,353 प्लस 20,000 15,353 प्लस 20,000 96,253। बेटा अगर इसमें विधि में परिवर्तन नहीं हो रहा होता, इसका 15%, इसका 15%, इसका 15% लगा देते, बट इन्होंने बोला नहीं हम तो विधि में परिवर्तन चाहेंगे, तो कर लो भाई, हमें क्या दिक्कत है। इन दोनों को मैंने 6 से डिवाइड किया और इसको मैंने 10 से, मेरी मर्जी से किया क्या? जैसा मुझे प्रश्न में कहा मैंने वैसा किया, इजी लगा एकदम। 31 दिसंबर 19 बाय बैलेंस सीडी, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस, फटाफट। पांच लाख 61,270। ओके बेटे, ये रहा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10। लगा इजी एकदम। मूल्यह्रास लगाने की विधि में परिवर्तन का प्रभाव क्या पुराने वर्षों पे लगेगा? केवल किस पे लगेगा? या तो चालू वर्ष में या फिर आगामी वर्षों में। ठीक है बेटे, देखो दूसरे बच्चे आ गए हैं, आप लोग पहले ये वाला पेज जो है पूरा कंप्लीट कर लो। एक सब बच्चे कैलकुलेटर लेकर आएंगे, ध्यान से ध्यान रखना, मंडे को सब लेके आना बेटा। आप ये वाला पेज पूरा कर लें तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, ये वाला आपको डाल ले, समझ में आ गया बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 में होमवर्क में करने को दिया हूं, प्लीज ट्राई। मिलते हैं मंडे को।